हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सबाज। सो आज मैं आपको लेके आई हूँ आलू गोभी सब्जी। जी हाँ, बहुत ही आसान है बनाना। सो मैंने गोभी अच्छी तरह से धो के रखा है, आप देख सकते हैं, और ये फ्रेश गोभी है। मैंने आलू भी इसके साथ ले लिया है। पहले हम रखेंगे बॉईल होने के लिए वाटर। सो हमें इस सारी गोभी को इस वाटर में डालना है और थोड़ा सा नमक डालना है। ये एक उबाल आने तक ये थोड़ा पकाना है। सो मैंने थोड़ा नमक ले लिया है, आप जितना चाहिए उतना डालिए, ज़्यादा मत डालिएगा। सो मैं अब इसको पकाऊंगी एक बॉईल आने तक। सो अब बॉईल आ चुका है, सो फ्लेम करेंगे ऑफ। अब हम गोभी सब निकालेंगे, इसमें डालेंगे। ऐसा हमें सारा गोभी निकालना है और इसमें डालना है। तो मैं इसी वाटर में आलू भी डालूंगी। आलू हमें सिर्फ 20% पकाना है। सो मैं ये 20% पकाऊंगी, बाकी का ग्रेवी में पक जाएगा। हमें गोभी से एक्स्ट्रा वाटर निकालना है। अब आलू भी पक चुका है, फ्लेम ऑफ करेंगे, इसे भी निकालेंगे। अब हमें मसाला रेडी करना है। मसाला के लिए चाहिए 2 छोटे ऑनियन, कोरिएंडर का दंडी, जो धनिया पत्ता की दंडी आती है वो, फिर 2-3 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक, 8 से 10 लहसुन, थोड़ा पानी डालना है, फिर ग्राइंड करना है। अब मैं इसे डालूंगी 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा, थोड़ा काली मिर्च, सिर्फ थोड़ा काली मिर्च पाउडर मैंने डाला। अब इसको भी ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसको भी रखेंगे साइड में। सो गाइस, मैंने अब बर्तन एक रखा है, अब डाला है ऑयल। अब मैं जो भी गोभी है वो फ्राई करने वाली हूँ। सो फ्राई करते वक्त ध्यान में रखिएगा कि चीटे आपकी तरफ उड़ सकती है, इसलिए कुछ ढक के करें। सो ये गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम में रखें, हाई फ्लेम में रखेंगे तो जल जाएगी। सो गोल्डन ब्राउन होने तक हमें ये फ्राई करना है। सो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो मैं फ्लेम को कर दिया ऑफ। अब सारी गोभी को निकालेंगे और डालेंगे इसमें। सो मैंने पूरा गोभी निकाला और डाला, ऐसे आप भी डालते 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 जाइए। सो मैंने डाला। अब हम उसी बर्तन पे जो ऑयल बचा है ना, उसमें फिर से फ्राई करेंगे आलू। सो मुझे आलू भी फ्राई करना है, ये भी गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करना है। मैंने पहले बोला था 20% आपकी उबाल में पकेगा, अब 30% इसमें पकेगा, बाकी का 50% आपने ग्रेवी में पकने वाली है। सो मेरी आलू भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, पक चुकी है। अब इसको भी निकालेंगे। जो बचा कुछ भी है वो भी मैं निकाल रही हूँ। अब हमें क्या करना है, मुझे ऑयल थोड़ा कम पड़ा इसलिए मैंने फिर से ऐड किया। तो अब मुझे इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ये सारी चीज़ें डालूँगी और थोड़ा फ्राई करूँगी। फ्राई ज़्यादा हाई में मत कीजिए, याद रखें, वरना जल जाएगी। सो अब हम डालेंगे ऑनियन। मैंने एक लार्ज ऑनियन डाला है, इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये थोड़ा देर लगेगा फ्राई होने में। आप ये पक चुका है। अब हम इसे ऐड करेंगे 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, इसको भूनेंगे। अब ऐड करेंगे मसाला। अब इसको 2 से 3 मिनट तक भूनना है।
हमें लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमारे मसाले में हरी मिर्च ऑलरेडी है। सो इस वजह से ज़्यादा तीखा ना हो। अब हमें इसे भूनना है। जो भी ग्राइंड करते वक्त बचा कुछ मिक्सी में वेस्ट रहता है उसको हम पानी डाल के मसाले में ऐड करेंगे ऐसे। सो मैंने 1 कप पानी डाला और ऐड किया। अब हमें थोड़ा बढ़ाना है गैस को। अब डालूंगी टमाटर। अब डालना है सॉल्ट। हमें इसे थोड़ा भूनना है। भून चुका है। अब हम ऐड करेंगे गोभी एंड आलू। सो मैंने आलू और गोभी को ऐड किया। अब हम इसे हलाते फिराते घुमाते जो भी करना है करते जाइए, लेकिन धीरे धीरे से, वरना आपकी आलू की जैसी की तैसी हो जाएगी। सो धीरे धीरे से घुमाते जाइए। अब हम इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे मसालों के साथ। अब मैंने डाला 2 कप पानी। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप वाटर ऐड करते जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। सो मैंने लास्ट में डाला कोरिएंडर लीफ, थोड़ा सा दही। अब ये मिक्स करके लास्ट में मुझे थोड़ा सा डालना है घी। सो कितनी अच्छी खुशबू। सो अब इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकाए। अब आपका गोभी आलू रेडी रेडी। गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय।